हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मिनट टिप्स। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करने वाली हूँ जो है डॉग से रिलेटेड। तो मेरे पास एक डॉग है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ड्राई शैम्पू यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के डॉग जब वॉक कर पे जाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं और इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनको रोज नहला सकें। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि उनको ड्राई वॉश कर दें ऑल्टरनेट डेज पे। और अगर आपको लगता है कि अभी जहां पर ठंडा है मौसम तो वहां पर भी प्रॉब्लम है, आप विद इन वीक में भी नहीं नहला सकते, महीने में एक बार नहलाएं तो ज्यादा बेटर होता है। तो फॉर दैट रीजन ड्राई शैम्पू इज द बेस्ट सेवियर फॉर योर पेट। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने डॉग का ड्राई वॉश करती हूँ। तो एज यू कैन सी, मैं कैप्टन जैक का ये ड्राई शैम्पू यूज करती हूँ और मैंने एक बकेट में थोड़ा सा पानी और टॉवल को डिप करके रख दिया। छोटा सा टॉवल ही है ड्राई वॉश के लिए, आपको बड़े टॉवल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अपने डॉग को बुलाती हूँ। सीजर कम, गेट अप, यस गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। सीजर को हमेशा याद रखें कि आप अपने डॉग के फेस पे कभी ड्राई शैम्पू ना लगाएं, सिर्फ हो सके तो टॉवल को हल्का से गीला करें। उसको पता है कि उसका ड्राई वॉश होने वाला है, इसीलिए ही नो हिज टॉवल। डॉग्स को अपनी चीजों की बहुत अच्छी पहचान होती है। बेटर यही होता है कि आप फेस पे सिर्फ गीले टॉवल से उसको पोंछें अच्छे से। अब आप उसकी पूरी बॉडी में रेस्ट ऑफ द बॉडी पे ड्राई शैम्पू को शेक करके उस पर स्प्रे कर सकते हैं उसकी बॉडी। कम सीजर, चलो कम 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 कम, गुड बॉय, गुड बॉय, यस। याद रहे कि आप हमेशा पहले शैम्पू को अच्छे से शेक कर लें और फुल बॉडी पे स्प्रे करें। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, यस। कम 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 कम, चल 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 चल, गुड बॉय, वेरी स्मार्ट बॉय, सीजन इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, यस, यस। Now, massage it properly. Come, come, no, sure. Again. Yes. Baby. अब जब अच्छे से मसाज हो जाए बॉडी पे, तब आप टॉवल को फिर से स्क्वीज कर सकती है और उसके पूरे बॉडी को अच्छे से पोंछ सकती है। इससे क्या होता है कि उनके बाल में, क्योंकि लोग जैसे हम लोग को अपने हेयर का शैम्पू की रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर, और अगर हम लोग अपने बालों में शैम्पू अच्छे से नहीं करें तो उसमें डस्ट आ जाता है। सिमिलरली डॉग्स के साथ भी यही होता है, इवन कैट्स के साथ भी होता है, मतलब उनके हेयर्स पे डस्ट बहुत ज्यादा जम जाती है। आई विल बी शैम्पू कम टू से, यस गुड बॉय। Yeah. Come, 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 come.
अगर आप अच्छे से स्क्वीज करके टॉवल को पोंछेंगे उनकी बॉडी को, तो वो लोग रिलैक्स फील करेंगे। काय जाना मना। सो आई स्पीक विद हिम इन हिंदी और मराठी, बेसिकली आई एम अ महाराष्ट्रियन, तो उसको मराठी समझ में आता है, मेरी बात समझता है मराठी में ना। गुड बॉय तो सीजर ना छोड़ा, खूब छोड़ा गुड बॉय। जब एक बार अच्छे से टॉवल से पोंछ ले तो उसके बाद दोबारा उसको बकेट में डिप करके फिर से उसकी बॉडी को अच्छे से मसाज कर ले। उसका बॉल, उसको डराने की एक स्टिक रखा हुआ है, वो स्टिक सब उसका यहाँ रूम पे रहता है, बेसिकली इस रूम पे पूरा कब्जा उसी पे ही रहता है। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे रूम में क्यों आ गई हो। हो सके तो हल्का टॉवल से ईयर्स भी के क्लीन कर दे, हल्का सा पोंछ दे, बिकॉज वैक्स बहुत जम जाता है इन लोगों के। हल्के हाथ से ही करें, नहीं तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। अगर आप हल्के हाथ से करेंगे तो दे फील लाइक कि उनकी मसाज हो रही है ना बेबी। That's it. Yes, my baby is ready. See you on the camera. Say bye. Say. So that's it for today's video. If you like it, please मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।